नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप राशन कार्ड धारक भी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी। दरअसल कार्ड धारक होने के बावजूद राशन न लेने वालों के कार्ड अब निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि प्राथमिक जांच के दौरान 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों में 1% कार्ड धारक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने पिछले राशन नहीं लिए। बता दें, इस कवायद के तहत 6 महीने और उससे ज्यादा समय राशन न लेने वाले कार्ड धारकों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। उनकी जगह पर अन्य पात्र लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की योजना तैयार की जा रही है। इसे लागू करने के लिए बस शासन की मंजूरी की जरूरत है। आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक जांच में यही पता चला है कि 4 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों में से 1% कार्ड धारक ही ऐसे हैं। अभी विभाग द्वारा निष्क्रिय और जो राशन कार्ड नहीं लेते या नहीं लेना चाहते, उनकी सूची तैयार हो रही है। इसके बाद सरकार की मंजूरी से राशन कार्ड निरस्त करने का आदेश भी जारी किया जाएगा। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी जरूरतमंद का राशन कार्ड न निरस्त किया जाए। हालांकि ऐसे कार्ड धारकों को चिन्हित करते समय ये ध्यान रखने के लिए खास कर कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से कुछ लोगों ने जगह बदली है। ऐसे में लिस्ट में नाम डालते समय ये ध्यान रखा जाए कि उन्हीं का नाम सूची में शामिल हो जो राशन लेने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं इस संबंध में DSO अभय सिंह ने कहा है कि जांच जारी है और जून के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर आप भी उन कार्ड धारकों में से हैं जिन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय से राशन नहीं लिया है, तो आपका भी कार्ड निरस्त किया जा सकता है और आप उस सूची से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर, लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को।